हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल कंप्यूटर पोर्टल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने देख लिया कि आज हम देखेंगे हाउ टू रिसेंट MySQL पासवर्ड। जैसा कि हमने प्रीवियस वाली वीडियो में देख लिया था कि हाउ टू चेंज MySQL पासवर्ड, यानी कि MySQL के पासवर्ड को चेंज कैसे करें अगर हमको ना उसका पासवर्ड मालूम हो, राइट। तो अगर आपने MySQL का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं और आपको पासवर्ड मालूम है तो आप जाकर ना लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो को मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं कैसे चेंज करते। पर हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं, आपको पासवर्ड मालूम नहीं है और उसमें आप इंटर करना चाहते हैं, साइन इन होना चाहते हैं, कैसे उसके अंदर इंटर हो, तो आप क्या करेंगे कि उसका पासवर्ड चेंज करेंगे, तो वो पासवर्ड कैसे चेंज करें बिना पासवर्ड जाने, राइट। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम पासवर्ड MySQL का कैसे चेंज कर सकते हैं बिना पासवर्ड जाने। सो गाइस, चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। गाइस, मैं इस विंडोज 7 बता रहा हूँ, अगर आपको विंडोज 10 या 8 है उसमें भी ये वर्किंग करेगा। गाइस, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, 100% वर्किंग करेगा। मैं इसको ट्राई करके देख चुका हूँ गाइस। इस समय फिलहाल मेरे पास विंडोज 7 है तो मैं इसमें भी आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है सर्विसेज। तो सबसे पहला ऑप्शन दिख जाएगा सर्विसेज, आप इसको मैक्सिमाइज कर दे रहा हूँ, फिर MySQL सर्च करना, राइट। तो देखिए, यहाँ देखिए MySQL के नाम पे MySQL 55, इस पर क्लिक करेंगे आप। फिर यहाँ जो ऑटोमेटिक है उसको डिसेबल पे क्लिक कर दीजिएगा, अगर आप पे पहले से डिसेबल है तो डिसेबल ही रहने दीजिएगा, राइट। देखिए स्टॉप का ऑप्शन आ रहा है तो उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, फिर ये स्टॉप हो जाएगा, फिर अप्लाई पे क्लिक करके ओके कर देंगे, राइट। फिर इसको आप क्लोज कर सकते हैं। फिर अब आपको क्या करना है, आपको लोकल डिस्क सी या डी जो भी आपके लोकल डिस्क में है, कोई भी सभी आपको एक TST फाइल बनाना है, कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लोकल डिस्क सी चूज कर रहा हूँ, आप भी चाहें तो लोकल डिस्क सी चूज कर सकते हैं। गैस, आपको यहाँ एक TST फाइल बनानी है तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। चलिए गैस, मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। चलिए मैं इसको नेम दे देता हूँ, यहाँ दे देता हूँ कंप्यूटर। इसके अंदर आपको करना है, देखिए कोड मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखना है यूज MySQL। आपको गैस ना ये जो कोड है, इस कोड को मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वीडियो में मत देखिए, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से आके कॉपी करके डायरेक्ट ट्राई कर सकते हैं। गाइस देखिए, मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ, अगर आपको ऐसे ही टाइप करना तो आप सुन के कर सकते हैं टाइप। देखिए मैंने लिखा है अपडेट MySQL यूजर सेट पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, फिर यहाँ जो आप पासवर्ड चेंज करके देना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ कंप्यूटर, आप कोई सा भी दे सकते हैं, बस आप इसको याद रखिए, राइट। फिर यहाँ लिखना है यूजर, नहीं सॉरी, वेयर यूजर इज इक्वल टू रूट, जनरली सभी लोग का यूजर रूट ही होता है तो इसलिए मैं यहाँ रूट यूज किया, राइट। फ्लैश प्रिविलेजेस, राइट। फिर उसके बाद कोलन का सिंबल लगा के फिर आपको इस नोटपैड को सेव कर देना है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फिर इसको क्लोज कर देता हूँ, इसका काम नहीं है, राइट। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रोग्राम फाइल नाम का एक फोल्डर दिख रहा होगा लोकल डिस्क सी में, आपको इस पर जाना है, फिर MySQL नाम का फोल्डर दिख रहा होगा उस पर जाना है, फिर आपको MySQL सर्वर, जो भी आपका सर्वर होगा मतलब जो भी आपका वर्जन होगा वो दिख रहा होगा तो उस पर आपको जाना है, फिर आपको एक बिन नाम का फोल्डर दिखेगा, आपको इसके अंदर जाना है, फिर यहाँ जहाँ पे है ना लोकेशन दिखाता है फाइल की उस पर क्लिक करके यहाँ CMD टाइप कर दीजिए, फिर इंटर प्रेस कर देंगे तो आपको ऐसा विंडो पॉपअप खुलने दिख जाएगा, राइट। या कर लीजिए विंडो खुल रहा, राइट। फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है, मैं आपको वो भी कोड प्रोवाइड कर बता दे रहा हूँ। देखिए आपको ये पूरा इस कोड को भी ना आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आपको बस टिट्टो इसी तरह इसको कॉपी करना है, यहाँ पे ले आके इसको पेस्ट करना है। सो गाइस, अब इसमें आपको कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है तो मैं आपको बता देता हूँ इम्प्रूवमेंट क्या क्या करनी है। यहाँ देखिए डिफ़ॉल्ट फाइल्स जो लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट फाइल्स, राइट। आप इसको यहाँ पे पॉइंटर को एरो से मूव करेंगे तो यहाँ देखिए डिफ़ॉल्ट फाइल्स जो लिखा है, उसके बाद ना टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको ना फाइल की लोकेशन देनी है। कौन सी फाइल की लोकेशन देनी है आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपको उसके लिए लोकल डिस्क सी में जाना है, मैं बैक चला जाता हूँ। तो ये हमारा लोकल डिस्क सी है, अब यहाँ पे आपको प्रोग्राम डाटा नाम का फोल्डर दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप ना ये सब हाइड हाइड फोल्डर है तो उसको आप अनहाइड कर दीजिएगा व्यू में जा करके, राइट। फिलहाल मेरे में तो दिख रहा है इसलिए मैं आपको दिख बता दे रहा हूँ। फिर आपको जाना है प्रोग्राम डाटा के बाद आपको जाना है MySQL के अंदर, फिर आपको MySQL सर्वर जो भी आपका होगा उस पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ माई नाम का एक TST फाइल है, INE फाइल है, राइट। तो इसको आपको ना इसका ना पाथ आपको चाहिए, राइट। तो आपको इसका पाथ कैसे ले सकते हैं, यहाँ जहाँ पे पाथ लिखा हो ना वहाँ पे क्लिक करिएगा, फिर एक क्लिक करके फिर अपोजिट स्लैश लगा के फिर यहाँ लिख दीजिएगा my.in, राइट।
आपको ये इसको कॉपी कर लेना। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या ये मेरा सही है कि नहीं, तो आप यहाँ बस इंटर प्रेस कर दीजिएगा, तो ये जो माई जो TXT फाइल है वो आपका ये ओपन होके आ जाएगा, राइट। ये जो लोकेशन आपने कॉपी किया है अगर वो आप चेक करना चाहते हैं, राइट, तो आपको बस इसी को यहाँ ले जाके इसको कॉपी पेस्ट कर देना, राइट। तो यहाँ मैंने भी इसको पेस्ट कर दिया। और गाइस अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे सिंगल स्लैश लगे हुए हैं, सिंगल अपोजिट स्लैश लगे हैं, तो वहाँ पे आपको डबल लगाने हैं। तो मैं एक एक करके डबल लगा दे रहा हूँ, ये बात का ध्यान रखिएगा। सो गाइस मैंने लगा दिया। फिर अब आपको ने यहाँ पे INIT-5 इक्वल टू, यहाँ पे भी एक फाइल की लोकेशन देनी, मैं बता दे रहा हूँ कौन सी फाइल की देनी, जो आपने सबसे पहले मैं आपसे नहीं बनवाया था। मैं जैसे कंप्यूटर नाम का मैंने बनाया था TXT फाइल, अब इसका आपको ना लोकेशन चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, ये इस यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पे भी रहेगा वो आ जाएगा। फिर उसके बाद लिख देना वो फाइल का नाम, जैसे मैंने लिख दिया कंप्यूटर, फिर .txt, राइट। फिर इसको आपको यहाँ से कॉपी करना है। ध्यान रखिएगा नेम हर जगह सेम, मतलब रॉन्ग नहीं होना चाहिए, राइट। फिर आपको यहाँ पेस्ट कर देना है, राइट। फिर उसके बाद आपको इंटरप्रेस कर देना है। जैसे आप इंटरप्रेस करेंगे तो आपको ना ऐसा आ जाएगा स्टार्टिंग एज प्रोसेस, राइट। अब आपको यहाँ पे वेट नहीं करना है, अब आपको इसको ना आप क्लोज कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर जितने भी आपके फोल्डर वगैरह खुले सबको क्लोज कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पे ना टास्क मैनेजर में जाना है, स्टार्ट टास्क मैनेजर, या आप में विंडोज 10 होगा तो डायरेक्ट टास्क मैनेजर लिखा हुआ आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जितने भी टास्क चल रहे हैं अगर सब आपने क्लोज कर दिया, फिर आप अपने PC को रिस्टार्ट करें। तो चलिए मैं आपको ना अपना PC रिस्टार्ट करने के बाद मिलता हूँ। सो गाइस जैसा कि देख सकते हैं हमारा ये PC रिस्टार्ट होकर के आ गया, रिस्टार्ट हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है, जो सर्विसेज आपने स्टॉप की थी उसको ऑन करना है, राइट। तो मैं सर्विसेज पे क्लिक कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे MySQL सर्च करना है, तो मैं MySQL मेरा यहाँ है, फिर डबल क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपका रहेगा कि डिसेबल होगा, राइट। तो डिसेबल होगा तो उसको ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दीजिएगा, और अगर ना स्टॉप होगा, नहीं मतलब स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो उसको स्टार्ट करके अप्लाई कर दीजिएगा, राइट। तो यहाँ मैं कर देता हूँ, फिर उसको स्टार्ट कर दीजिए, राइट। फिर ओके पे क्लिक करिएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा स्टार्टेड ऑटोमेटिक, जब ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा तो मतलब आपको वर्क करेगा, राइट। तो फिर उसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, MySQL क्लाइंट ओपन करना, नहीं तो आप जिस तरीके से MySQL चलाते हो वैसे ओपन करना, राइट। फिर आपको यहाँ जो पासवर्ड ना आपने न्यू पासवर्ड डाला था वो, तो मैंने क्या पासवर्ड डाला था, कंप्यूटर, तो मैं लिखता हूँ कंप्यूटर। तो मैंने यहाँ कंप्यूटर लिख दिया है, फिर इंटर प्रेस करता हूँ। तो सो गाइस देख सकते हैं ये हमारा अच्छी तरीके से हमारा पासवर्ड रीसेट हो चुका है, राइट। सो ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर आप में कोई एरर आ रहा है MySQL का कुछ करने में, आपको कोई एरर शो हो रहा है, तो उसके लिए आप ना हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई जल्दी जल्दी देने की पूरी कोशिश करेंगे। और गाइस अगर आप में कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो ना आप हमसे इंस्टा पे भी कोई स्क्रीनशॉट में भेज करके हमसे पूछ सकते हैं गाइस। सो गाइस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।